हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं तिरंगा जर्दा, जो खाने में बहुत टेस्टी खुशबूदार है। हमारा चावल है सेला चावल, जिसे हमने आधा घंटे के लिए भिगो लिया है। ये हमारी लौंग और इलायची है, ये हमने लौंग इलायची चावल में ऐड करके और हमने ये बॉईल कर लिया। इसमें नमक नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ये फीके ही उबलेंगे। और ये हमारे चावल उबल चुके हैं। लौंग इलायची की इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये हमने चावलों का पानी अलग कर लिया है और अब हम पैन में लेंगे देसी घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं, सिर्फ 2-3 चम्मच हम घी ऐड करेंगे इसमें। ये थोड़ा गर्म हो गया है, और अब इसमें भी हम डाल देंगे 2 लौंग, 2 हरी इलायची। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। थोड़ा सा तड़का लेंगे इसको और उसके बाद ये हम अपने चावलों की एक लेयर बिछाएंगे, उबले हुए चावलों की। और फिर थोड़ी सी चीनी हाथ से, फ्रेंड मुझे तो हाथ से अंदाज़ा है, आप मेज़रमेंट के लिए कटोरी ले लें। 1 कटोरी अगर आप चावल डालें तो आधी कटोरी से थोड़ा कम आप चीनी के लेयर लगाएं। मैं तो हाथों से ही डाल रही हूं। ये हमारी दूसरी लेयर भी लग गई है, अब फिर से मैं ये तीसरी लेयर लगाऊंगी। आप 2 लेयर भी लगा सकते हैं। ये मैं चावल ऐड करूंगी। वैसे ज़र्दा केसरिया रंग का भी बनता है, लेकिन ये हम 15 अगस्त की खुशी में बना रहे हैं तो मैं तिरंगे रंग का बनाऊंगी। और ये इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करूंगी, काजू बादाम जो मैंने पीस से कट कर लिए हैं, 2 पीस कर लिए हैं। और ये थोड़ा सा नारियल है, ये ज़र्दे में बहुत ही अच्छा लगता है नारियल खाने में। सूखा नारियल है, मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। आप चाहे तो इन ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें आप चावलों के साथ भी बॉइल कर सकते हैं, थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसमें चीनी आप ज़्यादा अगर डालेंगे तो चावल कड़क हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। थोड़ा सा मीडियम चीनी रखें और इसको हम मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ढक के पका देंगे। और 5 मिनट के लिए मैंने स्लो फ्लेम पे पकाया है, दम लगाया है। और ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा केवड़ा वाटर, आपकी मर्ज़ी आप डालें, ये ऑप्शनल है। ये अभी थोड़ा सा मुझे इसमें पानी नज़र आ रहा है, अभी मैं 5 मिनट का स्लो फ्लेम पे दम और लगाऊंगी। इस पर चीनी भी अच्छे से घुल जाएगी और चावल भी सॉफ्ट हो जाएगा। ये थी देखिए फ्रेंड, 5 मिनट बाद मेरा पानी जो है इसमें से चीनी पानी छोड़ती है वो ख़त्म हो चुका है, सूख चुका है बिल्कुल, चावल भी सॉफ्ट हो चुका है। ये बढ़िया सा ज़र्दा हमारा बनके तैयार है, देखिए पानी नहीं है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करेंगे, ये मेरा खोया है, खोए के बिना ये ज़र्दा अधूरा सा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है ज़र्दे में खोया, तो आप ज़रूर डालें। थोड़ा सा मैं पहले ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा गार्निश के लिए रखूंगी। ये मेरे पास चेरी हैं और कुछ टूटी फ्रूटी हैं कलर वाली, ग्रीन और रेड, कितनी कलरफुल अच्छी लग रही हैं देखने में, कितना अच्छा लुक आया। थोड़ी सी मैं ये ऐड कर दूंगी और ये मेरे पास ग्रीन फूड कलर हैं, थोड़ा सा ये डालूंगी मैं, 4-5 बूंद, आधा किलो चावल में इतना काफ़ी है। और एक साइड में बीच में डाल दूंगी ऑरेंज कलर, और वाइट कलर के हमारे चावल हैं ही। तो फ्रेंड्स, चलिए अब 5 मिनट का इस पर दम और दूंगी मैं और फिर सर्व करके दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ये ज़र्दा तिरंगे रंग का बनके बिल्कुल तैयार है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।